एक अनार और 100 बीमार, कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते हैं पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए, न जाने कितने कितने घूमते हैं। मैं आज उनको एक नसीहत देने आया हूँ, भैया काहे को झगड़ रहे हो, ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। भैंस तो अभी गांव के बाहर है और यहाँ मक्खन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, भाई भैंस भी नहीं आई है और मक्खन के लिए काहे झगड़ा कर। आप सब एक हो जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से, ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर मचा बवाल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर मचा हाहाकार। और क्या सीएम कुर्सी का मुद्दा अब खड़ा कर देगा कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी? क्या सीएम कुर्सी का मसला ही है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में चर्चा हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। एक और जहां चुनाव से पहले अमित शाह ने सीधे सीधे तौर पर अग्निवीर योजना को पेंशन से जोड़कर इस चुनाव का रुख ही बदल दिया है, इस चुनाव की तस्वीर को बदल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साहब आप सुनिए कि चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर कांग्रेस में दोफाड़ हो गई है। क्योंकि जहां कुमारी शैलजा ये मान रही है खुद को सीएम पद के लिए उम्मीदवार मान रही है, तो इसी सीएम पद के उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। उन नेताओं में रणदीप सुरजेवाला भी है, उन नेता में सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। और कांग्रेस में सीएम पद को लेकर जो दोफाड़ हुई है, क्या ये बताता है कि इस दोफाड़ की वजह से कांग्रेस में सबसे बड़ा सियासी घमासान मचना तय है? और मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कांग्रेस जो है वो अभी ये नहीं तय कर पा रही कि सीएम चेहरे किसे रखे जाए किसे नहीं रखा जाए, लेकिन कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो ये बड़े नेता एक साथ राहुल गांधी के साथ मंच साझा तो करते, लेकिन राहुल गांधी के बीच में बैठने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती। यानी कि ना कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करती, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कुमारी शैलजा से बात करते हैं। हालांकि जरा मैं अपने दर्शकों को कुछ खबरें दिखाना चाहूंगा कि सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तीन बड़े चेहरे जो सीएम पद की रेस में आ गए, इनका क्या बयान है? और मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से नाराजगी इनकी देखी जा रही है बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली में क्या कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, देखिए खास। कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में, छोटा सा प्रदेश है लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों, हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं दिल्ली में भी वही फैसला होता है। तो आज समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, आप सुनिएगा, सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुमारी शैलजा
और रणदीप सुरजेवाला, ये दो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं और इन दोनों ने भी सीएम पद को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी ये कह पाना साहब इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई हो रही है, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई हो रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो फिर सीएम किसे बनाया जाएगा। और अगर कुमारी सैलजा को सीएम नहीं बनाया जाता तो क्या कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएगी? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाएगा तो दो फाड़ हो जाएगी? रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, इन दोनों नेताओं का बयान जरा सुनवा देता हूँ क्या कुछ क्या। सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया और अब आप सुनिएगा किस पर चुटकी ली जा रही है। जी हाँ साहब, इस पर चुटकी ली जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में है, हरियाणा में बैक टू बैक रैली कर रहे, हरियाणा में बैक टू बैक रैली के बाद कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे। और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक कई निशाने साधे, खर्ची पर्ची को लेकर बात की, इसके साथ ही साथ युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने किस तरीके से देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ खेलने का काम किया। जवाब अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को दिया। राहुल गांधी लगातार अग्निवीर का जिक्र कर रहे थे ना, तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, एक बयान में जरा सुनवा दूंगा राहुल गांधी का अग्निवीर वाला, जिस पर बहुत सियासत हो रही है और वार पलटवार हो रहा है। पेंशन की योजना शुरुआत कर दी है, पेंशन से जोड़ दिया अग्निवीर को। तो एक जरा मैं थोड़ा बयान सुनवा देता हूँ कि अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहा, और उसके बाद मैं अपने दर्शकों को यह भी सुनाऊंगा कि राहुल गांधी ने अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया था, उस बयान के बाद सियासत गर्म आ गई थी। क्या है वो बयान देखिए। ये अग्निवीर है विकास कुमार, आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों बहनों, ये सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है। और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दो शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब मेरा सवाल दर्शकों से ये रहेगा कि क्या वाकई सीएम पद की आड़ में जनता के साथ नहीं खिलवाड़ हो रहा? क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं, जहां भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम पद को लेकर लड़ाई है, अनिल विज ने चुनाव से पहले ये कह दिया कि अगर मैं सीएम बन गया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो इसका मतलब क्या मुख्यमंत्री
जो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो तस्वीर नहीं बदल पाए, या मौजूदा समय में नायब सिंह सैनी नहीं बदल पाए। अगर आप बदलने की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बीजेपी में भी लड़ाई है सीएम पद को लेकर, और लड़ाई साहब कांग्रेस पार्टी में भी है। तो अब ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है कि क्या हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए झटके में रहेगा क्योंकि यहाँ सीएम पद की लड़ाई है, और अगर कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीत जाती है तो कौन होगा सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये तीन बड़े चेहरे क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ देंगे? आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।